हैप्पी हैप्पी मॉर्निंग। सो गाइस, कल रात को मैं अपने रूम में बैठी हुई थी और मुझे एक इंसिडेंट हुआ, मैं आपको दिखाती हूँ, अभी दिखेगा। और दूसरा, मुझे ये बताना है कि आजकल जैसे दिल्ली में पार्किंग को लेकर कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है ना, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं ना कि जो दूसरों की पार्किंग में अपनी गाड़ी लगा के आ जाते हैं, मतलब दूसरा बंदा परेशान हो, जो मर्जी हो, दिल्ली इज़ बॉदर्ड, वो मुझे ठीक नहीं लगता है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा बहुत बार हो चुका है और हो भी रहा है ऐसा। और अगर मैं कहीं जाती हूँ, मैं कभी किसी की नो पार्किंग में या रिजर्व पार्किंग में कभी गाड़ी पार्क नहीं करती हूँ। आई नेवर डू दैट। चाहे मुझे आधा घंटा और घूम घूम के नो खुद परेशान हो जाऊँगी मैं, लेकिन मैं किसी को परेशान नहीं करती हूँ। दिस इज़ माई हैबिट, दिस इज़ माई नेचर। तो बट ऐसा जो लोग करते हैं, दे शुड नॉट डू इट, ये बहुत गलत बात है ना, है कि नहीं? मैं कल रात को अपने रूम में बैठ के काम कर रही थी और मुझे अचानक से बाहर शोर की आवाज़ आई। नहीं, गार्ड को बोलिए, वहाँ पे गार्ड है ना, गार्ड भैया को बोलिए हटाएंगे। गलत बात है ना ये, तो किसने लगाई है, कितना रास्ता ब्लॉक किया हुआ है। उन्होंने मुझसे पूछा किसकी कार है, बट मुझे कुछ आइडिया नहीं था और बहुत परेशान हो रहे थे वो लोग। आई वॉज फीलिंग वेरी बैड अबाउट इट। एक मैंने बुलाया किसी को, देख मैम ये देखना किसी गाड़ी है, बीच में लगा के चला गया कोई। सब परेशान हो रहे हैं, देखो दिस इज समथिंग विच आई डोंट लाइक। मुझे बहुत गलत लगता है ये, एक तो किसी की पार्किंग में अपनी गाड़ी लगा देना देखने के बावजूद भी कि यहाँ पे नो पार्किंग लिखा हुआ है और किसी की रिजर्व पार्किंग है, और दूसरा ऐसे रोड पे रोड्स ब्लॉक कर देना, गाड़ी लगा देना, ये मुझे बहुत बहुत ज़्यादा गलत लगता है। ऐसा करके बाकी पब्लिक के लिए प्रॉब्लम ट्रबल क्रिएट करना, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। थैंक यू। किसकी है वैसे गाड़ी ने? ऐसे कहीं पे भी लगा देते हैं, कहीं पे भी लगा देते हैं ऐसे भी। नहीं नहीं वो परेशान होते बहुत देर से लोग ना। हाँ। थैंक यू थैंक यू।